बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी है आलू पालक। तो ये हमने 1 किलो पालक लिया है, 1 किलो आलू, 3 अदद टमाटर, 1 प्याज और 5 हरी मिर्च। तो ये हमने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, 1 चम्मच साबित सूखा धनिया, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। तो ये 1 कप हमने ऑयल लिया है, 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने आलू बारीक नहीं काटे, नॉर्मल साइज के रखे हैं। तो ये टमाटर भी हम साथ ऐड करेंगे, प्याज, ये बाकी के मसाले भी हम ऐड कर देंगे, ऑयल। बहुत ही टेस्टी सालन बनता है, इसी तरह आप भी ट्राई करें। ये हमने धोकर अच्छी तरह साफ करके हमने काट लिया पालक। एक कप पानी भी साथ ऐड करेंगे। तो ये हम 10 मिनट के लिए चूल्हे पर चढ़ाएंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर ये हमारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। तो देखें 10 मिनट में कितना सलन रेडी हो गए, कितने अच्छे से रेडी हो गया है। ये हमारा सालन रेडी है। तो ये टेस्टी बहुत ही लजीज बनता है, प्लीज़ आप भी ट्राई करें। बहुत ही जल्दी बनने वाला सालन है। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमें दुआएं में याद रखें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो शेयर करें। तो मुझे अभी वीडियो बनानी नहीं आती, तो बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताया करें मेरी वीडियो कैसी है, कैसी लगी रेसिपी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।